ये मैं पहली बार आपको पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा उच्चारण है वो गलत हो जाता है और कई चीज़ें हैं वो समझा पाना मुश्किल होता है मेरे लिए, क्योंकि मैं अभी आपको नया नया पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए अगर कोई गलती होती है तो मुझे आप माफ़ कीजिएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों हम पढ़ रहे थे मेवाड़ राजवंश, और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने महाराणा कर्ण सिंह और महाराणा जगत सिंह प्रथम के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे महाराणा राज सिंह के बारे में, जिनका शासनकाल 1652 से लेकर 1680 तक है, ठीक है। और महाराणा राज सिंह के बारे में हम क्या पढ़ेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ है, यानी सबसे पहले हम इनके राज्याभिषेक पर बात करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये मेवाड़ मुगल संधि तोड़ देते हैं और चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवा देते हैं, उसके बाद में ये कुछ मुगल थानों पर भी अधिकार करेंगे, और इसके बाद में चारुमती विवाद और हाड़ी रानी कौन थी इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और जजियाकर मंदिर तोड़ो अभियान जो कि औरंगजेब ने चलाए थे और उसका महाराणा राज सिंह ने विरोध किया था। उसके बाद में देखेंगे अजीत सिंह को शरण, यानी मारवाड़ के अजीत सिंह को औरंगजेब के विरुद्ध है वो महाराणा राज सिंह है वो शरण देते हैं, इतनी बातें हम करेंगे। महाराणा राज सिंह की अगर बात करें तो कुंभा के बाद, यानी जब हम महाराणा कुंभा पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि उनके समय अनेक प्रकार की, यानी उनकी हम राजनीतिक उपलब्धियां भी पढ़ते हैं, इसके अलावा अनेक सांस्कृतिक उपलब्धियां भी पढ़ते हैं, यानी उन्होंने कला साहित्य के क्षेत्र में यानी अनेक जो है कार्य किए थे। उसी प्रकार अगर महाराणा कुंभा के बाद में अगर देखें कोई दूसरा महाराणा हुआ है वो महाराणा राज सिंह हुए हैं, जिन्होंने कला के क्षेत्र में या फिर जो राजनीतिक उपलब्धियों के क्षेत्र में है इतना बड़ा कार्य किया था, ठीक है। जो सबसे पहले हम महाराणा राज सिंह का राज्याभिषेक देखते हैं, तो महाराणा राज सिंह का राज्याभिषेक 1652 आपको दिख रहा है, कब हुआ था 1652 में, ठीक है। तो याद रखना है कि महाराणा राज सिंह का राज्याभिषेक 1652 में हुआ था, और कहते हैं कि महाराणा राज सिंह का जब राज्याभिषेक था तो उस दिन वो कैलाशपुरी उदयपुर जाते हैं और वहाँ पे एकलिंगनाथ जी हैं उनका दर्शन करते हैं, ठीक है। और आप सभी जानते हैं एकलिंगनाथ जी मेवाड़ महाराणाओं के कुल देवता हैं, तो ये वहाँ पर जाते हैं और एकलिंगनाथ जी का दर्शन करते हैं और तुलादान करवाते हैं। क्या करवाते हैं? तुलादान। अब आप सोच रहे होंगे कि तुलादान क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि जब आपके गांव में कोई बड़ा नेता आता है तो वो क्या करता है, अपने वजन के बराबर है वो फ्रूट वगैरह है वो तोलता है और वो जनता में बांटता है। उसी प्रकार जब राजा महाराजा बना करते थे और उनका राज्याभिषेक का समय होता था तो उस वक्त वो क्या करवाते थे, तुलादान करवाते थे, यानी अपन के अपने वजन के बराबर क्या करते थे, सोना चांदी वगैरह तोल के जनता में दान किया करते थे, ठीक है। तो इसी प्रकार जब महाराणा राज सिंह भी राजा बने महाराणा बने तो उन्होंने तुलादान करवाया, और उन्होंने कहते हैं कि सोने चांदी का तुलादान नहीं करवाया बल्कि रत्नों का तुलादान करवाया। तो मेवाड़ के इतिहास में एकमात्र ऐसे महाराणा हुए हैं जिन्होंने रत्नों का तुलादान करवाया था, तो ये भी बात आप याद रखिएगा। और पहला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत। तो चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत देखते हैं, इसका मतलब यानी हमने पढ़ा था कि मेवाड़ मुगल संधि जो कि 5 फरवरी 1615 में हुई थी, और इस संधि की शर्त थी कि जो मेवाड़ वाले हैं उनको चित्तौड़ प्रदान किया जाता है लेकिन वो इस दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएंगे। लेकिन महाराणा राज सिंह ये शर्त है वो तोड़ देते हैं और चित्तौड़ दुर्ग की है वो मरम्मत करवाते हैं, और इससे क्या होता है कि जो मुगल बादशाह सांझा था वो भड़क जाता है, और सांझा क्या करता है, सादुल्ला खां को भेजता है। और जो भी महाराणा राज सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग में निर्माण कार्य या फिर पुनर्निर्माण या फिर मरम्मत का छोटा मोटा कार्य करवाया था उसको सादुल्ला खां के आके तोड़ देता है। और इस वक्त महाराणा राज सिंह है वो कोई ज़्यादा है वो यानी युद्ध वगैरह कुछ नहीं करते हैं, सादुल्ला खां आता है और जितना भी निर्माण कार्य था उसको तोड़ के वो चला जाता है। तो ये थी चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत, यानी मेवाड़ मुगल संधि है उसको महाराणा राज सिंह ने तोड़ दिया, और फिर से एक बार हम कह सकते हैं कि मुगलों के साथ जो संघर्ष है उसकी स्थिति प्रारंभ हो गई थी, ठीक है। अब देखिए मुगल थानों पर अधिकार। अब देखिए कि सांझा का जब अंतिम काल था, यानी सांझा अंतिम काल में क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं, और जब सांझा बीमार हो जाता है तो उसकी खबर जब खबर उसके पुत्रों के यानी पुत्रों को मिलती है। सांझा के पुत्र थे औरंगजेब और दारा शिकोह और सूजा और मुराद, ये चार सांझा के पुत्र थे। जब इनको ये खबर मिलती है कि हमारे जो पिता हैं वो बीमार हो गए तो इनके मध्य क्या हो जाता है, उत्तराधिकारी संघर्ष है वो प्रारंभ हो जाता है, यानी उत्तराधिकारी संघर्ष वो क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, और चारों हैं वो आपस में लड़ने लगते हैं, ठीक है। अब चारों जब आपस में लड़ने लगे इसका फायदा क्या उठाया, महाराणा राज सिंह ने उठाया, और महाराणा राज सिंह ने क्या किया, जो मेवाड़ में यानी ये मेवाड़ हो गया और इसमें जो मुगल क्षेत्र थे यानी जो मुगल क्षेत्र थे उन पे अधिकार किया, और किस पद्धति से किया और क्या किया, उन्होंने टीका दौड़ का आयोजन करवाया। हम पढ़ते हैं कि मेवाड़ महाराणा जिसने टीका दौड़ का आरंभ करवाया, जिसके शासनकाल में टीका दौड़ का आरंभ हुआ, तो वो कौन थे, महाराणा राज सिंह। अब ये टीका दौड़ क्या होती है इस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसे आपका जन्म हुआ
जैसे आप का दिन हुआ 2010 में, तो आप का दिन 2010 में 5 अगस्त को हुआ, तो अब आगे जब 2011 में 5 अगस्त आएगी तो आप अपना जन्मदिन जन्मदिन मनाएंगे, ठीक है, आप सेलिब्रेशन करेंगे। उसी प्रकार जब महाराणा क्या करते थे, उनका राज्याभिषेक का दिन आता था, यानी साल में एक बार फिर से आता था, उस समय क्या करते थे, वो उस दिन की एनिवर्सरी बनाया करते थे। और उस समय वो क्या करते थे, उस समय एक रिवाज होती थी, एक प्रथा होती थी कि उस दिन महाराणा क्या करेगा, जो आसपास अपने राज्य के आसपास जो शत्रुओं के जो क्षेत्र हैं उनको है वो जीतेगा। तो इसी टिका दौड़ के तहत महाराणा राज सिंह ने अपनी एनिवर्सरी के दिन, यानी महाराणा या राज्याभिषेक के दिन की एनिवर्सरी के दिन क्या है, मुगल थानों पर क्या है, आक्रमण किया और उन पर अधिकार कर लिया। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं चारुमती विवाद, ठीक है, और हाड़ी रानी वाली कहानी। तो देखिएगा चारुमती कौन थी, ये कहते हैं कि अजमेर में एक जगह पड़ती है रूपनगढ़, कहाँ पे पड़ती है जगह, अजमेर में, यहाँ की ये राजकुमारी थी, कौन, चारुमती, ठीक है, राजकुमारी थी कौन, चारुमती। अब देखिए कि चारुमती का विवाह है वो औरंगजेब के साथ तय होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि चारुमती से औरंगजेब है वो विवाह करना चाहता था, ठीक है, लेकिन चारुमती है वो औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी, इसलिए चारुमती ने लेटर लिखा किसको, महाराणा राज सिंह को, ठीक है, और महाराणा राज सिंह है चारुमती से शादी करने आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार यानी महाराणा राज सिंह ने भी एक प्रकार से जो घोषणा कर रखी थी कि अगर औरंगजेब या मुगल किसी भी मंदिर को तोड़ते हैं या फिर किसी राजकुमारी से उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी करते हैं तो वो महाराणा राज सिंह को याद कर सकते हैं, महाराणा राज सिंह उनकी सहायता करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार अब चारुमती की शादी किसके साथ हो रही थी, औरंगजेब के साथ, लेकिन चारुमती नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए चारुमती ने लेटर किसको लिखा, राज सिंह को, और राज सिंह है अब चारुमती से विवाह करने आएंगे। लेकिन इससे पहले ये होता, इससे पहले एक घटना और हो चुकी थी, एक जगह पड़ती है मेवाड़ में रूपनगर, ठीक है, रूपनगर, और रूपनगर की एक राजकुमारी थी, उससे भी औरंगजेब शादी करना चाहता था, लेकिन राज सिंह ने उससे भी शादी कर ली। तो इस प्रकार पहली बार जब शादी की तो औरंगजेब नाराज हुआ, लेकिन दूसरी बार जहाँ पे फिर से औरंगजेब शादी करना चाहता था वहीं पे किसने कर ली, राज सिंह ने। तो इस कारण औरंगजेब अब की बार औरंगजेब को आ जाता है गुस्सा और औरंगजेब अब आक्रमण करेगा, ठीक है, और वो अजमेर में अपने सैनिकों को भेजता है किसके विरुद्ध, महाराणा राज सिंह, और इधर से अजमेर जाएंगे यानी मेवाड़ से शादी करने कौन, राज सिंह, और इधर से मुगल हैं वो आएंगे अजमेर पे आक्रमण करने, ठीक है। अब आक्रमण करने ये आएंगे तो राज सिंह ने सभी मेवाड़ी सरदारों को बुलाया और कहा कि हम जा रहे हैं अजमेर शादी करने, और उस जब हम शादी करने जाएंगे तो उस वक्त क्या है कि मुगल सैनिक हैं वो हम पे आक्रमण करने आएंगे, इसलिए जो सारे मेवाड़ी सरदार थे उनसे राज सिंह ने कहा कि आप है वो जो मुगल सेना है उनको अजमेर में रोक लो, रूपनगढ़ तक उनको आने ना मत दो, और जैसे ही मैं शादी करूँगा उसके बाद मैं खुद आके है आपकी सहायता करूँगा और आपको यानी आप हम दोनों मिलकर के कि मुगल सेना से लड़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार तय हुआ, और सबसे अब आप सभी जानते हैं कि जब ये युद्ध के लिए जा रहे हैं मेवाड़ वाले तो हरावल में कौन होंगे, तो हरावल में होंगे चुंडावत, यानी सुलुम्बर के चुंडावत होंगे। सुलुम्बर जो कि मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का सबसे बड़ा ठिकाना था, और यहाँ पे ये जो ठिकाना था इसके अलावा जो चार ठिकाने थे वो किसको दिए गए थे, चुंडावतों को। तो इस समय जो सुलुम्बर के सामंत थे वो थे रतन सिंह चुंडावत, और रतन सिंह चुंडावत को क्या किया गया, तैयार किया गया कि आप अरावल में लड़ेंगे। लेकिन उसी दिन या फिर कहते हैं कि एक दो दिन पहले रतन सिंह चुंडावत की शादी हुई थी हाड़ी रानी से, बूंदी की हाड़ा जो संग्राम सिंह थे, यानी बूंदी के हाड़ा राजा थे संग्राम सिंह, और उनकी पुत्री थी हाड़ी रानी सहल कंवर, उनसे रतन सिंह की शादी हुई थी। अब इतने में ये युद्ध वाला जो सूचना मिली रतन सिंह को, तो रतन सिंह है उस वक्त नई नई शादी हुई थी, तो रतन सिंह है वो जाने से मना कर देते हैं, ठीक है, यानी रतन सिंह ने क्या कहा कि मैं युद्ध में नहीं जाऊँगा। लेकिन ये बात जो रतन सिंह की रानी थी हाड़ी रानी सहल कंवर उनको बुरी लगी, क्यों लगी, क्योंकि सहल कंवर को लगा कि ये जो हरावल है यानी मेवाड़ की सेना में जो हरावल है यानी मातृभूमि के लिए सबसे पहले मर मिटने का जो सिस्टम है या जो प्रथा है, ठीक है, यानी मातृभूमि के प्रति जो प्रेम की भावना दिखाने का जो ये अवसर है ये रतन सिंह है वो गवा रहे हैं, और ये यानी कुछ पीढ़ियों से यानी पिछली पीढ़ियों से ये परंपरा चली आ रही है, यानी कुंवर चुंडा ने इसके लिए अपना सारा राज्य है वो त्याग दिया था, ठीक है। इसलिए
सहलकवर को ये बुरा लगा और रतन सिंह चुनावत है उनको यानी सहलकवर ने समझाया रतन सिंह चुनावत को, लेकिन रतन सिंह है वो जाने का नाम नहीं लेते। लेकिन जैसे तैसे करके रतन सिंह को वहाँ से रवाना किया गया युद्ध के लिए। लेकिन रतन सिंह जैसे ही कहते हैं कि अपने घोड़ा यानी लिया उन्होंने और बैठ के वो चलने लगे, तो रतन सिंह वहाँ पे नीचे रुक गए और जो उनका सेवक था उनसे कहा कि आप जाके रानी से हैं वो कोई निशानी लेके आओ। तो सेवक जाता है और जाके रानी से कहता है कि रतन सिंह जी निशानी मांग रहे कोई दीजिए। तो इसलिए सहलकवर को लगा कि अभी भी रतन सिंह है वो मेरे प्रति क्या है समर्पित है और वो युद्ध में किस प्रकार लड़ेंगे क्योंकि अभी तक वो मेरे प्रति समर्पित है। तो इसलिए सहलकवर ने क्या किया अपनी गर्दन है वो काट के है वो भेंट कर दी किसको रतन सिंह को। और रतन सिंह ने जब ये यानी उनकी गर्दन देखी हाड़ी रानी की तो उनको रतन सिंह को भी समझ में आ गया कि मुझे मातृभूमि के प्रति जाना चाहिए यानी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। और उस दिन कहते हैं कि रतन सिंह ने उस अजमेर के युद्ध में यानी अजमेर में जो युद्ध हो रहा था उसमें उन्होंने सहलकवर की जो गर्दन है उनको बालों को गर्दन में अपनी बांधा। और उस समय कहते हैं कि रतन सिंह क्या उस अजमेर के युद्ध में या फिर अजमेर के जो घाटी में युद्ध हुआ था उसमें क्या लड़े थे और वो अपने देश के लिए अपनी मातृभूमि के लिए हैं वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। और इसके बाद में इस हाड़ी रानी का जो बलिदान है अपने मातृभूमि के प्रति ठीक है उसके लिए जो मेघराज मुगल हैं उन्होंने एक कविता भी लिखी है। मेघराज मुगल उन्होंने सेनानी कविता लिखी है ठीक है ये भी आपको याद रखना है। यानी सेनानी का मतलब यहाँ पे निशानी से। और आपने सुना भी होगा ये जो मेघराज मुगल की जो कविता उसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। तो अब देखिए हम देखते हैं इसके अलावा हाड़ी रानी का जो ये बलिदान था ठीक है तो इसके लिए हम कहते हैं कि 2009 में जो राजस्थान पुलिस की प्रथम महिला बटालियन बनी थी प्रथम महिला बटालियन 2009 में उसका नाम भी क्या रखा गया था हाड़ी रानी बटालियन ठीक है ये बात भी आप याद रखिए। तो अब आपको चारुमती विवाद जो कब का है ये कहते हैं कि 1679 का है ठीक है तो आपको घटना याद रखनी है। और इधर से कहते हैं कि इस युद्ध में जो मुगल सेना है वो हार जाती है और रतन सिंह है वो चारुमती से सॉरी राज सिंह है वो चारुमती से शादी करके आ जाते हैं ठीक है। तो यह घटना थी और रतन सिंह चुनावत वो वीरगति को प्राप्त होते हैं और हाड़ी रानी ने अपने पति को युद्ध में जानते समय के अपनी गर्दन है वो निशानी के रूप में दे दी थी। ये सारी घटनाएं आपको समझ में आ गई। अब आप देखते हैं जजियागर यानी जजियागर के बारे में हम पढ़ते हैं। अब जजियागर के बारे में हम पढ़ते हैं यानी मुगल बादशाह अकबर अकबर ने क्या किया इस जजियागर को क्या है हटा दिया था अकबर ने। और ये जजियागर होता क्या था जजियागर ये होता था कि जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो यानी गैर मुस्लिम लोग हैं जो मुगल सल्तनत थी या जो मुगल बादशाह थी यानी मुगल क्षेत्र का अधिकार था उसमें जो गैर मुस्लिम जो रहते थे उनसे क्या है टैक्स लिया जाता था कर लिया जाता था इसको बोलते थे जजियागर ठीक है। तो अकबर ने इस कर को बंद कर दिया था लेकिन औरंगजेब ने क्या किया इस कर को पुनः स्टार्ट कर दिया औरंगजेब ने ठीक है। और इस कर का विरोध किया किसने महाराणा राज सिंह ने। तो आपको याद रखना है कि 1679 में क्या किया औरंगजेब ने अकबर द्वारा बंद किए गए जजियागर को पुनः स्टार्ट कर दिया और इसका विरोध किसने किया था तो महाराणा राज सिंह ने। तो ये आपको इतनी घटना याद रखनी है। अब देखिए हम देखते हैं मंदिर तोड़ो अभियान ये भी औरंगजेब ने 1679 में चलाया था। और इस वक्त क्या किया था औरंगजेब ने ये आदेश दिया कि सारे जितने भी हिंदू मंदिर है उनको तोड़ा जाए यानी मंदिर को नहीं तोड़ा जाए बल्कि जो मूर्ति है वो तोड़ दी जाए क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो भारतीय जो प्राचीन काल में भी ये कहा जाता है कि जो खंडित मूर्ति की जो पूजा है वो नहीं की जाती तो इसलिए मूर्ति को तोड़ दिया जाए उसके बाद में मंदिर में पूजा तो होगी नहीं। तो इसलिए औरंगजेब ने आदेश दे रखा था कि जितनी भी हिंदू मंदिर है उनकी मूर्तियाँ तोड़ दी जाए और ये अभियान चल रहा था। लेकिन उस वक्त कहते हैं कि जो मुगल सैनिक थे वो मथुरा में जो वल्लभ संप्रदाय के जो श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है उसको तोड़ने आई और वहाँ से दो बंदे थे गोविंद दास और दामोदर दास ये दोनों क्या करते हैं ये जो श्री कृष्ण की मूर्ति थी उसको लेके मथुरा से भाग जाते हैं। मुगल सैनिक मथुरा आए थे किसको तोड़ने मूर्तियों को लेकिन गोविंद दास जी और दामोदर दास जी के मूर्तियों को उठाते हैं और यहाँ से यानी मथुरा से चले जाते हैं यानी भाग जाते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि ये गोविंद दास जी और दामोदर दास जी उन दो मूर्तियों को लेके यानी श्री कृष्ण भगवान की दो मूर्तियाँ थी उनको लेके मारवाड़ गए थे
लेकिन उस समय कहते कि जो मारवाड़ के जो राजा थे वो कहीं गए हुए थे, और वहाँ पे सामंत सामंत है वो है इनसे मिले, यानी दामोदर दास और गोविंद दास से, ठीक है। और गोविंद दास जी और दामोदर दास जी ने कहा कि हम मथुरा से भागे और हमारे पास कृष्ण भगवान की मूर्ति है और ये जो मुगल है वो इनको तोड़ना चाह रहे हैं, तो आप हमें शरण दीजिए। लेकिन सामंतों ने गोविंद दास जी और दामोदर दास जी को शरण नहीं दी, क्योंकि उस समय सामंतों ने कहा कि हमारे महाराजा भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए हम उनका आदेश है वो हमारे लिए सर्वोपरि है, तो हम वो अभी मौजूद नहीं है, तो अब हम आपको एक रास्ता बता सकते हैं कि आप मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के पास जाइए, वो आपको पक्का है शरण देंगे। तो गोविंद दास जी और दामोदर दास जी क्या जाते हैं, मेवाड़ से आते हैं किसके पास, राज सिंह के पास, और यहाँ पे कहते हैं कि राज सिंह है इनको शरण देते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि जो दो मूर्तियाँ थी उन मूर्तियों को स्थापित करवाते हैं और वहाँ पे मंदिरों का निर्माण करवाते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि जो श्रीनाथ जी यानी कृष्ण भगवान की मूर्ति थी उसके लिए गोविंद दास जी ने कहा था कि आप हैं वो इसकी रक्षा कीजिए, या फिर आप हमें बता दीजिए, अगर आप रक्षा नहीं करते तो हम कहीं और जाते हैं, ऐसी बात है। वो राज सिंह से की थी किसने, गोविंद दास जी ने। तो गोविंद दास जी ने कहा, सॉरी राज सिंह ने कहा कि आप निश्चित रहिए हमारे जो मेवाड़ी सैनिक है उनका 1 लाख का सर तब तक नहीं कटेगा तब तक जो मुगल हैं जो औरंगजेब है वो इन मूर्तियों को छू भी नहीं सकता, ठीक है। तो इस प्रकार महाराणा राज सिंह ने दोनों मूर्तियों को स्थापित करवाया और दोनों ही मूर्तियों की जगह एक भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। तो पहली जो मंदिर था वो श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर, ये कहते हैं कि उन्होंने सिहाड़ में, जिसको आप वर्तमान में नाथ द्वारा कहते हैं, जो कि राजसमंद में, ठीक है, यानी एक जो मूर्ति है वो सिहाड़ जिसे वर्तमान में नाथ द्वारा कहा जाता है जो कि राजसमंद में, वहाँ पे स्थापित करवाई और वहाँ पे श्रीनाथ यानी कृष्ण भगवान का एक मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद में एक दूसरी मूर्ति थी उसको कांकरोली राजसमंद में स्थापित करवाया और वहाँ पे द्वारिकाधीश जी का मंदिर बनवाया राजसमंद। ये दोनों ही याद रखना, जो कांकरोली है और आपका सियाड़ है जिसका वर्तमान नाम नाथद्वार है, दोनों ही कहाँ पे है, राजसमंद में, और यहाँ पे जो दूसरा मंदिर बनवाया वो द्वारिकाधीश का, ठीक है, द्वारिकाधीश का मंदिर का निर्माण बनवाया। और इसके अलावा मैं आपको जो निर्माण कार्य वो फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो अभी इतना याद रखना है। मंदिर तोड़ो अभियान औरंगजेब ने 1669 में चलाया था और वहाँ से यानी मथुरा में वो श्री भगवान यानी कृष्ण की मूर्ति है वो तोड़ने गए थे, लेकिन वहाँ से गोविंद दास जी दामोदर दास जी मूर्तियों को लेके आए, मारवाड़ गए, लेकिन वहाँ के सामंतों ने मना कर दिया कि हम आपको शरण नहीं देंगे, तो वो कहाँ पे आए, मेवाड़, और यहाँ पे महाराणा राज सिंह ने उनको शरण दिया और जो दो मूर्तियाँ थी उनको स्थापित करवा के एक मूर्ति को सियाड़ नाथद्वारा में स्थापित किया और वहाँ पे श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया और दूसरी मूर्ति को कांकरोली राजसमंद में स्थापित किया और वहाँ पे द्वारिकानाथ यानी द्वारिकाधीश जी का मंदिर बनवाया, दोनों ही कृष्ण भगवान के मंदिर थे, ठीक है। अब हम देखते हैं अजीत सिंह, अजीत सिंह को शरण, ये देखिएगा, अजीत सिंह को शरण यानी मारवाड़ के महाराजा थे, राजकुमार थे अजीत सिंह, ठीक है, और जो मारवाड़ के महाराणा थे, सॉरी राजा थे, महाराजा थे वो थे जसवंत सिंह, और जसवंत सिंह के पुत्र थे अजीत सिंह। जसवंत सिंह हैं उनकी औरंगजेब से बनती नहीं थी, यानी दोनों के आपस में बनती नहीं थी, और इस कारण औरंगजेब ने क्या किया, जसवंत सिंह को काबुल अफगानिस्तान में है वहाँ का सूबेदार बनाया, और कहते हैं कि 1678 में जब महाराजा जसवंत सिंह वहाँ पे रह रहे थे अफगानिस्तान में, वहाँ पे 1678 में जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है जमरूद अफगानिस्तान में, ठीक है। जब हम मेवाड़ का सॉरी मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तो हम महाराजा अजीत सॉरी जसवंत सिंह के बारे में डीपली पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपको इतनी बात याद रखनी है कि महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु 1678 में जमरूद अफगानिस्तान में जब हो जाती है, तो उसके बाद में अगला जो राजा बनेगा मारवाड़ का वो कौन बनना था, जसवंत सिंह का पुत्र अजीत सिंह, लेकिन औरंगजेब इसको बनाता नहीं है, और कहते हैं कि अजीत सिंह उस समय छोटे थे जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी, और अजीत सिंह और जो अन्य मारवाड़ी सरदार थे उनको औरंगजेब ने बुलवाया दिल्ली और कहा कि अजीत सिंह को अगला बादशाह बनाया जाएगा, लेकिन जब सारे अजीत सिंह और मारवाड़ी सरदार दिल्ली पहुंचे तो औरंगजेब ने मना कर दिया, और इसलिए अजीत सिंह को मारने का भी प्रयास किया, तो इसलिए वहाँ से दुर्गादास जी राठौड़ हैं और मुकुंददास खिंची वो इनको वो ले आते हैं कहाँ पे, मेवाड़, यानी वहाँ से दिल्ली से बाहर निकालते हैं और मेवाड़ ले आते हैं, और यहाँ पे मेवाड़ में महाराणा राज सिंह है वो अजीत सिंह को शरण देते हैं, और शरण ही नहीं देते बल्कि केलवा की जागीर भी देते हैं, केलवे की, केलवा केलवे के नाम यानी राजसमंद में कोई जागीर थी वो देते हैं, ठीक है, किसको, अजीत सिंह को, ठीक है। और महाराणा राज सिंह है वो इनको केलवे राजसमंद में
जागीर देते हैं। और जब औरंगजेब अजीत सिंह को वापस यानी मांगता है, ठीक है, मांगने की कोशिश करते हैं, तो राज सिंह है वो मना कर देते हैं। और इसी प्रकार हम कहते हैं कि यहाँ पे राठौड़ और सिसोदिया गठबंधन हुआ था, जिसके तहत महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह को यानी मारवाड़ के अजीत सिंह को शरण दी थी गठबंधन। तो ये आज का जितनी भी सारी घटनाक्रम थी मैंने आपको बताया महाराणा राज सिंह के बारे में। अगले वीडियो में हम महाराणा राज सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत हम उनके निर्माण कार्य देखेंगे और इसके अलावा उनके दरबारी विद्वानों के बारे में पढ़ेंगे। और ये मैं पहली बार आपको बढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा उच्चारण है वो गलत हो जाता है और कई चीज़ें हैं वो समझा पाना मुश्किल होता है मेरे लिए, क्योंकि मैं अभी आपको नया नया पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए अगर कोई गलती होती है तो मुझे आप माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।